मैं ओपीएस भदौरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 महगांव जिला भिंड मैं अपनी मर्जी और स्वेच्छा से यहाँ हूँ। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, उनकी वजह से ही हमारी पार्टी की ये हालत हुई है और मुझे आशंका है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। कर्नाटक पुलिस से मेरा आग्रह है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा क्षेत्र से विधायक था, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मैं स्वेच्छा से यहाँ बंगलोर में ठहरा हुआ और मुझे जानकारी मिली है कि दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य कांग्रेस के नेता यहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ और मैं कर्नाटक की पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि वो मुझे पूरी सुरक्षा। मैं गिर्रा डंडोतिया दिमनी विधानसभा से विधायक जिला मुरैना, हम अपने विधानसभा से 11 तारीख को राज्यपाल महोदय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अपना त्याग पत्र दे चुके हैं और बेंगलोर में अपनी मन और मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं। आज सुबह पता चला कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह आए कुछ लोगों को लेकर, जिस दिग्विजय सिंह के कारण 15 साल से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं आई कांग्रेस की, वो दिग्विजय सिंह हम उनका यहाँ मुंह नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने पूरी कांग्रेस को यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उनकी गलत नीतियों के कारण हम 15 साल सत्ता में नहीं आए और आज भी उनका पूरा सरकार में हस्तक्षेप था और कमलनाथ सरकार को उन्होंने पूरी तरह हैंडल कर लिया था, कैचअप कर लिया था। इस वजह से ये सभी विधायक यहाँ रुष्ट होकर उनको पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने हमने विधानसभा से इस्तीफा दिया है और वो यहाँ आए हैं तो उनका पुख्ता इंतजाम किया जाए, उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। पुलिस से मेरा आग्रह है बेंगलोर पुलिस। मैं ब्रजेंद्र सिंह यादव विधानसभा क्षेत्र मंगावली 34 जिला अशोक नगर। अभी टीवी के माध्यम से जानकारी मिली थी कि दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश के बहुत से नेता हमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम ना दिग्विजय सिंह जी से और ना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के किसी भी नेता से हम मिलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं और बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी स्वेच्छा है कि हमको क्या करना नहीं क्या, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर रह रहे हैं और हम किसी भी नेता से कांग्रेस के से नहीं मिलना चाहते। मैं 16 ग्वालियरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मन्नालाल गोयल हूँ। अपनी मर्जी से हम लोग बेंगलोर आए हैं। हम लोगों ने 11 तारीख को विधानसभा की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। मुझे मालूम पड़ा है कि माननीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमसे मुलाकात करने आए हैं। हमें उनसे कोई मुलाकात नहीं करनी है। आज कांग्रेस का जो भंडाधार किया उसका मेन कारण दिग्विजय सिंह जी हैं। हमें कोई मुलाकात नहीं करनी है। मैं बेंगलोर पुलिस से अनुरोध करता हूं कि हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और हम किसी प्रकार की मुलाकात माननीय दिग्विजय सिंह करना नहीं चाहते हैं। मैं हरदीप सिंह डंग सुवासरा विधानसभा जिला मंदसौर। मुझे ज्ञात हुआ है कि दिग्विजय सिंह जी पब्लिक के साथ यहाँ पर मिलने आए हैं। अगर इतनी चिंता थी तो शुरू से वो दिग्विजय सिंह जी थोड़ा बड़ा दिल कर लेते ना, शायद इतना बड़ी नौबत अभी पैदा नहीं होती है। मैं अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे अभी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं अपनी मर्जी से स्वतंत्र में त्याग पत्र दे चुका हूँ और उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। मैं जतपाल सिंह जत्ती मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ और पिछले 10 तारीख को मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे चुका हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी को और अपनी स्वेच्छा से मैं वर्तमान बेंगलोर में हूँ। आज सुबह मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि हमारे मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोग, मैं खुद व्यक्ति हूँ, दिग्विजय सिंह जी से नहीं मिलना चाह रहा क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ हूँ और मेरा निवेदन यह है कि यदि केंद्रीय रिजर्व पुलिस हमको प्रोटेक्शन दे, यहाँ की सरकार से निवेदन है कि हमारी सुरक्षा करें, हम किसी भी कांग्रेसी लीडर से मिलना। मैं रक्षा संतराम सरोनिया भांडर विधानसभा से विधानसभा 21 मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ कि उन्हीं के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है जो वो अपनी मनमानी कर रहे थे। मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुरैना से विधायक हूँ, रघुराज सिंह कंसाना मेरा नाम है। मुझे
चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से बेंगलोर आए हैं और हम दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। इनकी वजह से ये सरकार गई है और भविष्य में मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। मैं राजवर्धन सिंह दत्तीगा बदनावर से विधायक हूँ। हम लोग पहले ही स्वेच्छा से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें अब किसी भी प्रकार से किसी कांग्रेस के नेता से नहीं मिलना है। कल मैंने जरूर कहा था कि कमलनाथ जी अगर आके साक्षात्कार करना चाहें मीडिया के सामने तो कर सकते हैं, लेकिन पता लगा दिग्विजय सिंह जी पधारे हैं। उनसे पिछले महीने ही मैंने निवेदन किया था, तो आपने फरमाया कि मेरे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। इसलिए अब हम इस परिस्थिति में कर्नाटका सरकार से भी आग्रह करते हैं कि बेवजह हमें परेशान न किया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन भी हमें दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार संध्या जी पे हमला हुआ, हो सकता है कि लोग हम पे भी हमला कर दें। इसलिए हमने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, त्यागपत्र हमारा स्वीकार किया जाए और इन परिस्थितियों में हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि हम किसी कांग्रेस से नेता से अभी मिलना ना तो चाहते हैं ना हमारी अभी मिलने की किसी से। मैं तुलसीराम सिलावट विधानसभा क्षेत्र 211 सांवेर जिला इंदौर मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोग स्वयं की इच्छा से बेंगलोर यहाँ आए हैं। मेरे सुनाई में भी आया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस से यह अनुरोध करता हूँ, हमको कांग्रेस के या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना, हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं और बेंगलोर की पुलिस से यह अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा। मरती देवी डबरा विधानसभा से विधायक हूं, ग्वालियर जिले से। मैं कांग्रेस पार्टी में महिला बाल विकास मंत्री रही, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि बेंगलोर में दिग्विजय सिंह अपने साथियों को लेके आए हैं हमको, हमसे मिलने को। लेकिन हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी। लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूं कि हमारी सुरक्षा करें और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं।